हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। वेलकम यू ऑल माई फ्रेंड्स इन आवर चैनल DNA ऑफ मैथ्स विद मुकेश सर, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल SSC CGL एक्सपायरेंट्स। आप सबको मालूम है कि 2022 का जो है हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, और इस बार जो हमारा नोटिफिकेशन आया है बहुत चेंजेस लेके आया है। पैटर्न में भी चेंज है और सिलेबस में भी काफ़ी चेंज है, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिलेबस हमारा वही है, बट थोड़ा सा हमारा जो है पैटर्न में चेंज हो गया है, ठीक है। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो जैसे हमारा इसमें पहले रहता था Tier 1, Tier 2 और Tier 3 जो रहता था, इस बार वो नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव जो हमारा रहता था, ऐसे लेटर्स जो राइटिंग हमारा रहता था, तो रिटर्न आपके पास इस बार कोई भी पेपर नहीं होने वाला CGL में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं Tier 1 का आपको बताना चाहूंगी। तो Tier 1 में जैसे पहले हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स आते थे, इस बार भी वही 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GK, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ इसमें, चेंज हो गया हमारा कि ये अब क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। इसमें अब आपके जो इस बार है मार्क्स Tier 1 के नहीं जोड़ने वाले, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको जरूरी नहीं है, मैंडेटरी है एग्जाम, बट इन क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। तो वही आपके पास Tier 1 में 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, और वही 20-25 मार्क्स के रहेंगे सब, और ईच क्वेश्चन आपका होगा 2 नंबर का, तो 50-50 मार्क्स का ही रहेगा। तो जो टोटल पेपर है आपका रहेगा ये 200 मार्क्स का, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलेगा 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और वही आपकी जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 ही रहेगी। 1/4 यानी आपका जो है 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। अगर आप 4 गलती करते हो तो उसके लिए आपका 1 नंबर इस बार कट जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें ये चेंज है, जो हमारी यूअर कैटेगरी होती है उसके लिए इसको इसमें 30% जो है मार्क्स लेना जरूरी है, और जो OBC वाले हैं उनको 25 मार्क्स लेना जरूरी है, और जो अदर्स हैं उनको 20% मार्क्स लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है, इतना आप इजिली कवर अप कर सकते हो। और जो इसका ये है, सेक्शनल नहीं है ये कि आपको मैथ में अलग से 30% लेने हैं, इंग्लिश में अलग से 30% लेने हैं, जो हमारा बैंकिंग में रहता है वो चीज नहीं है। आपको ऑल ओवर आपको टोटल पेपर में आपको 30% लेने, ठीक है। ऐसे ही OBC वालों को 25%, तो इस चीज को तो आप निग्लेक्ट करके ही चलो, क्योंकि इतना तो आप कवर अप कर ही लोगे, ठीक है। अब आपको Tier 2 के बारे में बताती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स Tier 2 में है जो आपको थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि जो पहले हमारा रहता था पैटर्न, उसमें Tier 2 में आपके पास सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश जो है वो रहती थी, लेकिन इस बार आपके पास रीजनिंग और GK भी ऐड हो गई है, जिसको हम पहले बहुत लाइटली लेके चलते थे कि चलो Tier 1 में आना है, और GK के भी हम रट्टाफिकेशन कर लेते थे, और रीजनिंग को भी इतना हम लाइटली लेते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा इसमें सीरियस होना है, क्योंकि आपके पास जो रीजनिंग है और जो GK है वो भी ऐड हो चुकी है। जो रीजनिंग है वो 90 मार्क्स की रहेगी आपके पास Tier 2 में, और GK है जो वो 75 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो जो मेन पैटर्न है हमारा Tier 2 का, उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस रहेंगे। Section 1 जिसमें आपके पास मैथ्स और रीजनिंग रहेगी, Section 2 में आपके पास इंग्लिश और GK रहेगी, और Section 3 में आपके पास कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा, ठीक है। एक ये भी हमारे पास हो गया है कि जो कंप्यूटर है वो भी हमारा एडअप हो गया इस पर SSC में, जो पहले हमारे पास नहीं रहता था। ये सेक्शन हमारा बैंकिंग में रहता था, या जो आप ये स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम देते हो उसमें रहता था। और दूसरी बात ये है कि मैंने भी जो है इसमें अपना जो हमारा चैनल है उसमें जो कंप्यूटर्स का है वो सिलेबस मैंने स्टार्ट किया है, एक वीडियो में ऑलरेडी उसकी डाल चुकी हूँ, तो उसके लिए आपको बोदर होने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें कंप्लीट जो है आपका कंप्यूटर का सिलेबस इसमें मैं कवर अप करवाऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो Section 1 है उसमें ये दो रहेंगे हमारे पास सब्जेक्ट्स, और Section 2 में ये रहेंगे,
और दूसरा इसमें जो हमारा एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहेगा और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 रहेगी, ठीक है। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो आपने जो है रट्टाफिकेशन नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको थोड़ा सीरियसली करना है और जब तक आप श्योर नहीं हो किसी क्वेश्चन के लिए तब तक आपने उसको टिक नहीं करना, ठीक है। तो और जो ये 2 सेक्शंस हमारे रहेंगे ये हम इनके जो है आपके मेन जो कट ऑफ है उसमें मार्क्स जुड़ने वाले हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड सेक्शन है कंप्यूटर का सेक्शन, ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बट इसमें क्या है कि जैसे कुछ जॉब्स होती हैं कि उसमें आपको कंप्यूटर जो है वो कंपलसरी रहता है, तो उसमें जो है आपको उसके अनुसार ही आपको जो है उसमें लिया जाएगा। कि जैसे मान लो किसी का कंप्यूटर में है कि हाँ किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कि हाँ इसमें जो 30 से अबव वाले हैं या 40 से अबव वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ही लिया जाएगा। तो इसको भी आपने लाइटली नहीं लेना है, इसको भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो और जो लास्ट है आपका डाटा एंट्री, ये भी पहले ही रहता था हमारे पास। इसमें आपको 27 वर्ड्स पर मिनट आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, ये इजिली हो जाएगा। इसके लिए आपको हार्डली 15 to 20 days की जो है प्रैक्टिस करनी है और ये आप इजिली आप इतनी स्पीड जो है वो कवर अप कर लोगे, ठीक है। और दूसरा इसमें जो मेन बात है जो मैंने अभी आपको सेक्शनल वो कट ऑफ बताई थी, टीयर 1 में क्या है कि आपको पूरे पेपर में ऑल ओवर आपको जो है इतना कट ऑफ लेना है कि जो जनरल वाले हैं उनको 30% मार्क्स लेना है, ओबीसी वालों को 25 और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 20%। और इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ लेना है कि इन दोनों को मिला के सेक्शन 1 में आपको 30% लेना जरूरी है और इसमें अलग से 30% लेना जरूरी है और इसमें अलग से 30% लेना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आपका ये देखो इन दोनों को मिला के आपके पास टोटल जो स्कोर बन जाता है वो है 390 मार्क्स। जो पहले आपके पास 400 नंबर का पेपर रहता था वो 390 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है। और तो आप इसको सीरियसली करिए। पहले जैसे हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को ही मेन लेके चलते थे एसएससी के लिए कि मैथ्स और इंग्लिश, बट अब ऐसा नहीं है। आपको अपने जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उन पे पकड़ बनानी है, मैथ्स पे भी, इंग्लिश पे भी, रीजनिंग पे भी और जीके के भी, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट को आपने लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा जो हमारा इसमें मैथ्स का सिलेबस है उसमें भी चेंज है। टीयर 1 में सेम है जो पहले आपका सिलेबस रहता था उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट जो आपका टीयर 2 में मैथ्स आने वाला है तो आप खुद देखो कि एक एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। और प्लस जो आपका सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो जो हमारा मीन मीडियन मोड और जो प्रोबेबिलिटी ये वाले स्टैटिस्टिक्स वाले जो हमारे चैप्टर्स थे ये भी इसमें ऐड अप हो गए हैं। तो आप इसके लिए भी हमारे जो है चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अब स्टार्टिंग से जो है ये हमारा जो सिलेबस है उसको लेके चलेंगे। और ऐसा ही जो हमारा इंग्लिश है इंग्लिश पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। और साथ में जो हमारी रीजनिंग है मेनली रीजनिंग में भी आप देखो कि एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है तो उसमें ये देखो कि आपकी जो रीजनिंग रहेगी वो पहले वाला नहीं है कि हाँ नॉर्मल सी रीजनिंग रहेगी। तो जो हमारी बैंकिंग में रहती है पीओ में तो उस टाइप के क्वेश्चन जो यूपीएससी प्री में हमारे पास आती है तो वो वाले क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो बस अब मैं एडम करूंगी अपनी जो वीडियो है इसको और आप लोगों को मैनी मैनी विशेस मेरी तरफ से कि आप खूब हार्ड वर्क करो। लेकिन आपको पैटर्न से घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, आप अपनी तैयारी वैसे ही जारी रखो। और तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को जो है एंड अप करूंगी, लेकिन ये आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगी कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के लिए एकदम गोल्डन चांस है क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है ह्यूज वैकेंसीज हैं, जो पहले कभी नहीं इतनी वैकेंसीज आई, इस बार इतनी वैकेंसीज हैं 20,000। 20,000 वैकेंसीज बच्चों कम नहीं होती, ह्यूज वैकेंसीज। जो हमारे हार्ड वर्क करेंगे लगन से फुल डेडिकेशन के साथ जो बच्चे काम करेंगे अपनी प्रिपरेशन करेंगे उनका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहो एज इट इज जैसे आप कर रहे थे। बस जो ये आपका थोड़ा सा जो सिलेबस एडअप हुआ है इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और अपनी तैयारी करते रहो। और हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज हैं।
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और हमारे जो चैनल है उसके साथ आप सब बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।